जय माँ सरस्वती सर्वेभ्यः। चलिए जानते हैं कि हमारे वेद, हमारे शास्त्र जो प्रमाणित हैं, वो वेदों के, उन वेदों से हम जानेंगे कि सती प्रथा के बारे में वो क्या कहते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऋग्वेद का 10वें मंडल का 18वें अध्याय का 8वां मंत्र। यदि पति चले जाए तो ऋषि संगत सुको यामायन देवता पितृमेध छंद निचरतृष्टुप स्वर धैवत उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकम गता सुमेत मुप शेष एहि हस्तग्राभस्य दिधि शोस्तवेदम पत्युर्जनित्वमभि संबभूथ। सामान्यतः पति को दीर्घजीवी होना चाहिए, यानी लंबी आयु वाला, पत्नी अविधवा रहे, ऐसा गत मंत्र में कहा था। यानी पिछले मंत्र में भी ये बात कही थी कि पत्नी जो है वो अविधवा रहे, ऐसा ब्लेसिंग है। परंतु यदि अचानक पति का देहावसान हो जाए तो पत्नी शमशान में ही न पड़ी रह जाए। यानी अगर पति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो पत्नी जो है शमशान में ही ना पड़ी रह जाए शोक के कारण, मृत पति का ही सदा शोक न करती रहे, अपितु उत्साह युक्त होकर अपने कर्तव्य कर्मों में लगे। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि वो मृत पति का शोक न करे बल्कि अपने कर्तव्य कर्म में लगे, अपने पति की संतानों का ध्यान करते हुए शोक मोह को छोड़कर तत्परता से कार्यों में लगी रहे। तो मंत्र में कहते हैं यानी अपने बच्चों का पोषण करे, उठकर कर्तव्य कर्म करे। मंत्र में कहते हैं कि हे नारी, ग्रह की उन्नति की कारणभूत पत्नी तू उधीर्ष्व, उधीर्ष्व जो यहां मंत्र में पहला शब्द है, ऊपर उठ और घर के कार्यों में लग। ईर गतौ जीवलोकम अभी, इस जीवित संसार का तू ध्यान कर, जो गए वे तो गए ही, अब तू गतासुम गत प्राण एतम इस पति के उपशेष समीप पड़ी है, इस प्रकार शोक का क्या लाभ, एही उठ और घर की ओर चल, घर की सब क्रियाओं को ठीक से करने वाली हो। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि तू उठकर जो है घर पे जा वापस और अपने कार्य कर, घर के हस्त ग्राभस्य अपने हाथ ग्रहण करने वाले, दिधि शोह धारण करने वाले अथवा गर्भ में संतान को स्थापित करने वाले तव पत्युह अपने पति की इदम जनित्वम इस उत्पादित संतान को, यानी अपने पति से जो तूने संतानें उत्पन्न की हैं उन्हें अभी यानी लक्ष्य करके संबभूथ सम्यक्तया होने वाली हो, अर्थात तू अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान कर। तो तू अपने स्वास्थ्य का ध्यान कर जिससे संतान के पालन व पोषण में किसी प्रकार से तू असमर्थ न हो जाए। यानी तू अपने स्वास्थ्य का ध्यान कर, क्योंकि तुझे ही अब बच्चों को अकेला पालना है, तो तुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान करना है जिससे तू पालन पोषण उनका ठीक से कर पाए। तो भावार्थ है, यदि अकस्मात पति गुजर जाए तो पत्नी शोक न करती रहकर पति के संतानों का ध्यान करती हुई अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यत्नशील हो। तो यहां से वेदों में स्पष्ट लिखा है कि पत्नी जो है वो शोक न करे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल करे, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे और संतानों का पालन पोषण करे। तो आज हमने ये देख लिया कि लोग जो हैं वो बहुत सारी बातें बनाते हैं सनातन धर्म के बारे में, सती प्रथा के बारे में झूठ फैलाते हैं। हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा है कि जो नारी विधवा हो जाए उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, शोक में नहीं पड़े रहना, बल्कि घर जाके अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्वास।